एक समय की बात है, करण अपनी बीवी प्रीता के साथ मुंबई में रहा करता था और दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, मगर दोनों के बीच काफी नोकझोंक भी हुआ करती थी। करण काफी आलसी था, उसे हर काम में काफी आलस आता था। वो इतना आलसी था कि अपने बाल और दाढ़ी तक नहीं कटवाता था, जिसके लिए प्रीता उसे बार बार टोकती रहती थी कि कम से कम ये बाल तो कटवा लिया करो और ये दाढ़ी, जिसमें तुम दाढ़ी वाले बकरे लगते हो, कम से कम कोई तो तुम्हें बाहर दाढ़ी वाला बकरा तो नहीं कहेगा ना। जाओ किसी अच्छे से सैलून जाकर अपने बालों और दाढ़ी को सही करवा लो, ताकि तुम पहले की तरह काफी ज्यादा हैंडसम लगो। तब करण कहता है कि क्यों, तुम्हें मैं दाढ़ी और लंबे बालों में हैंडसम नहीं लगता क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैं ऐसे ही कह रही थी। तब तुम ज्यादा अच्छे लगोगे। तब करण कहता है कि छोड़ो ना यार, कौन जाए सैलून वगैरह, यहाँ कोई अच्छा सा सैलून भी तो नहीं है, कहाँ जाऊँ। इतना कहकर करण अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है, जिसके बाद प्रीता काम में लग जाती है। और जब एक दिन फ्री था तो वो बाहर मार्केट में सब्जी लेने जाती है, तो वो सुबह सुबह सुनती है कि यहाँ पर एक अच्छा सा सैलून है जो कि हथौड़ा वाला सैलून के नाम से मशहूर है। तब प्रीता करण के पास जाती है और कहती है कि करण, यहाँ पर एक मशहूर सैलून है हथौड़ा सैलून, तो वहाँ पर चले जाओ और जाकर अपना हेयर कट करवा लो। तब करण कहता है कि नाम तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो जाकर देखते हैं कि हथौड़ा सैलून है। इतना कहने के बाद करण चला जाता है और जब वो सैलून में पहुँचता है तो वो देखता है एक आदमी हेयर कट कर रहा था, जिसका नाम पृथ्वी था, जो कि थोड़ी आवाज होने पर ही अपनी याददाश्त खो देता था और खुद को एक हथौड़ा समझने लगता था, साथ ही अपने कस्टमर के सर पर ही हथौड़ा मारने लगता था। इसलिए उस शॉप का नाम हथौड़ा सैलून था, मगर करण को पता नहीं था कि पृथ्वी ऐसा है। वो जाकर उससे कहता है कि मुझे एक हेयर कट करवाना है और दाढ़ी भी बनवानी है। तब पृथ्वी कहता है कि जी बैठिए। जैसे ही करण बैठता है तो उसका हेयर कट करने लगता है, लेकिन बीच में ही बाहर से एक ड्रम गिरने की आवाज आती है, जिसकी वजह से पृथ्वी अपनी याददाश्त खो बैठता है और करण के सर पर हथौड़ा मारने लगता है। जैसे ही पृथ्वी करण के सर पर हथौड़ा मारता है, करण उठकर खड़ा हो जाता है और उसे डांटने लगता है, उसे काफी ज्यादा सुनाता है कि तुम पागल वागल हो क्या, जो तुम मेरे सर पर हथौड़ा मार रहे हो, मैंने क्या किया है? तो पृथ्वी कहता है कि सॉरी सर, वो थोड़ी सी गलती हो गई, आप दोबारा बैठिए, मैं आपका हेयर कट कर देता हूँ। लेकिन फिर से कोई आवाज आती है और फिर से उसके सर पर हथौड़ा मारने लगता है, जिसके बाद करण को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पृथ्वी को जमकर पीट देता है, जिसके बाद उसकी दुकान भी तोड़फोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है और सभी को बोल देता है कि आदमी पागल है, इसके पास हेयर कट तो बिल्कुल भी मत करवाना, जिसके बाद उसकी दुकान ठप हो जाती है और बस्ती का ये हथौड़ा सैलून हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।